गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मंदीप, योर पोल साइंस टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल NS9 डिंग रोड सिरसा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। बेटे, जो अपने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने बताया था कि जो अमेरिका है उसने अपना उसका वर्चस्व किस प्रकार का था, उसके लिए हमें बताया था कि 4 ऑपरेशंस थे। 2 ऑपरेशंस अपने लास्ट वीडियो में किए, नेक्स्ट 2 ऑपरेशन है बेटे। उसमें क्या था कि 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। कि इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा 9/11 का ऑपरेशन था, जो ये 3rd ऑपरेशन चला था वो उसके बाद चला था। अब स्केल्टन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र है। केल्टन के विपरीत बुश ने अमरीकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। कि जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग सिस्टम क्या है बेटा, ये आपका जो है वो क्या था, ऑपरेशन जो एंड्यूरिंग सिस्टम है ये 9/11 की घटना के बाद में चलाया गया था। और ये ऑपरेशन क्या चलाया गया था, आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया था। क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके जो विमान थे वो क्या हो गए थे, वो ख़राब हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो क्योंकि इसलिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग सिस्टम चलाया गया। तो अमेरिका का जो मेन निशाना था वो था अलकायदा। अलकायदा कौन था बेटे, एक आतंकवादी क्या संगठन था। तो तालिबान भी एक आतंकवादी शासक था। तो इनके खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया उसी को हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग सिस्टम या फ्रीडम बोलते हैं। इसमें ये क्या हुआ था कि जो गिरफ्तारी हुई थी बेटे, वो अमेरिका ने क्या सारे देशों के खिलाफ क्या एक गिरफ्तारी आंदोलन चलाया। अमेरिका ने सारी दुनिया के खिलाफ जो गिरफ्तारी आंदोलन चलाया था उसमें क्या है, कैदियों को क्या खुफिया जेलों में रखा गया, खुफिया जेलखाना जिसे बोलते थे। और ये जो कैदी थे जिनको जेलों में रखा गया था वो कहाँ पर थे, वहाँ पर थे क्यूबा के एक ठिकाना था ग्वांतानामा। ये बेटी इसमें नेक्स्ट भी है, भी आपका है ग्वांतानामा, कि ये क्यूबा के जो ग्वांतानामा जगह है वहाँ पर क्या है सभी कैदियों को रखा गया है। और इनसे मिलने की अनुमति, उन कैदियों से मिलने की अनुमति किसको, UNO के अधिकारियों को भी नहीं थी। कि यानी कि देखो अमेरिका, देखो इतना ताकतवर था कि उसने UNO के अधिकारियों को भी सैनिकों से मिलने के लिए क्या मना कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी अमेरिका का क्या नज़र आया, अमेरिका का वर्चस्व नज़र आया कि अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है। अब देखो अमेरिका ने क्या किया, कहीं पर भी कैदियों की, जो कैदी जेल में बंद थे उनके कानून की रक्षा नहीं, उनको किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं दी। अब आपको पता होगा बेटे, कैदियों के लिए कुछ कानून होते हैं, कैदियों के साथ क्या निर्मम हिंसा नहीं की जा सकती, उनको जेल में खाना भी दिया जाता है, उनको तौर तरीके से क्या रखा भी जाता है, लेकिन वो भी नियमों के अनुसार रखा जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस जेल खानों में कोई भी नियम नहीं थे, जितना मतलब उन कैदियों को जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी उनको नुकसान पहुंचाओ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखो अमेरिका क्या था, इतना ताकतवर था। अब आपको पता कि अमेरिका ऐसा करता था वहाँ के कैदियों के साथ। तो अब हमारे क्या भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेल में क्या क्या कैदियों को क्या अच्छा खाना दिया जाता है, उनके ऊपर सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं। लेकिन जो अमेरिका की जेल थी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बेटे आपका ऑपरेशन ड्यूरिंग सिस्टम है, 3rd ऑपरेशन था। नेक्स्ट बेटे है आपका इराक पर हमला। अब क्या हुआ था, 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था। कि 19 मार्च 2023 को अमेरिका ने क्या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। UNO ने क्या किया, हमले की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ पर भी क्या किया, अमेरिका ने क्या अपनी पावर दिखाई, अपना वर्चस्व दिखाया, अमेरिका ने UNO की बात नहीं मानी और हमला कर दिया। देखो दिखाने के लिए तो अमेरिका ने कहा कि इराक है समहारी, जो इराक है वो क्या कर रहा है, वो समहारिक सहार का के हथियार बना रहा है, कि जिससे क्या मानवता को खतरा होएगा, ये ना समहारिक सहार के हथियार कि वो बना रहा है जिससे क्या पूरी मानवता को क्या खतरा होगा। तो लेकिन क्या हुआ, इससे मानवता को खतरा तो क्या पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ऐसा बोला था अमेरिका ने कि इससे क्या मानवता को खतरा पहुँचेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, इराक में उसे को ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि हमें क्या है, हमें उस टाइप का इराक में किस टाइप का ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं था कि वहाँ पर इस टाइप का कुछ होगा।
तो कहते जब चेकिंग हुई तो देखा गया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इससे पता लगता है कि अमेरिका ने ऐसा जानबूझकर कहा था कि वहाँ पर क्या संभावित संहार होगा, लेकिन इसका उद्देश्य, अमेरिका का क्या उद्देश्य था, ये क्या ऑपरेशन करने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि अमेरिका को लगता है, मतलब अमेरिका एक ये सब कुछ जानबूझकर क्यों कर रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि ये जो हमारा, मान लो कि इराक है, आपको ये पता हो कि जो हमारा इराक है उसमें के पास क्या तेल के भंडार बहुत ज़्यादा है। अमेरिका का उद्देश्य था तेल भंडार पर कब्जा करना और इराक में क्या अपनी मनपसंद क्या है सरकार बनाना। अमेरिका युद्ध जीत गया, लेकिन अमेरिका का युद्ध जीतना मतलब एक ताकत तो जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी इस युद्ध में कई कमजोरी भी नज़र आई थी। अमेरिका जीत गया लेकिन वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया, उन्होंने अमेरिका की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अमेरिका की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये बेटे अमेरिका की कमजोरी थी कि उसने ताकत से क्या जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अपनी व्यवस्था ताकत जिस प्रकार की वो व्यवस्था चाहता था वो इस प्रकार की सरकार वहाँ पर नहीं बना सका। तो ये था बेटे आपका जो फोर्थ ऑपरेशन था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। नेक्स्ट बेटे इसमें आपका है कि अमेरिका ने अपना जो वर्चस्व है वो किस टाइप से हमें दिखाया था। नेक्स्ट पेज पे आपका बेटे आपका है अमेरिका का वर्चस्व, वो हम करेंगे बेटे इसमें। अब इसमें बेटी है अमेरिका से वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। अब अमेरिका का वर्चस्व क्या था, इसमें ये क्या हुआ बेटे कि अब वर्चस्व का मंच में क्या हुआ, दो अधिकारों को इसमें यूज़ किया गया, दो नीतियों को अपनाया गया। एक था बैड वैगन की नीति और इसमें था, दूसरा था कि हमें क्या करना चाहिए, हर काम छुपा के करना चाहिए। अब बैड वैगन की नीति क्या अपनाई गई थी इसमें, कि वैध नीति का मतलब है कि जिसका वर्चस्व चल रहा है उसे हमें ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। मान लो कि एक पर्सन की सरकार है तो हमें क्या उसी का फ़ायदा उठाना है, कि जैसे मान लो कोई हवा बह रही है तो उसी में क्या उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। आज अमेरिका ताकतवर है तो उसके दोस्त बन उसको अपना दोस्त बना लो, कल को आपको लगता कि अमेरिका डूब गया है उसकी ताकत कम हो गई है तो किसी और को दोस्त, जो दूसरा देश अपनी ताकत दिखाएगा अब उसको देश अपना क्या दोस्त बना लो। तो ये थी बैड वैगन की नीति कि जो लो जो भी सत्ता पावर में है उसी को अपना क्या दोस्त बना लो, उसी की तरफ आप हो जाओ। और इसमें दूसरा था कि छुपा कर काम करना, कि हम अपने देश की एक देश क्या है अपने देश में क्या कर रहा है उसका पता दूसरे देश को भी नहीं लगना चाहिए, तो ये छुपाकर नीति थी। तो इस प्रकार से क्या है अमेरिका ने कि जो वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, यही तरीका था कि हम बैड वैगन की नीति और छुपाकर नीति को अपना कर हम क्या अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं। ये था बेटे आपका ये लेसन। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।